हेलो बच्चों, तो आज का ये जो कार्यक्रम है ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने 2021 में 10th पास करके अब 11th में आए हुए हैं और उन्होंने अब अपने कैरियर के लिए जो ड्रीम बनाया है तो इंजीनियरिंग, मेडिकल या कुछ और। तो बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि सफल होने के लिए सबसे जो मुख्य बात है वो है सपना देखना, क्योंकि सपना एक बहुत बड़ी जान होती है बच्चों के भविष्य के लिए। तो अगर नहीं आपने अभी कोई टारगेट बनाया है तो अभी से आप अपना एक कैरियर के लिए एक गोल सेट कर लें, क्योंकि बच्चों हर व्यक्ति के जीवन में दो बातें होती हैं, एक सफलता और दूसरा असफलता। तो जो स्टूडेंट अगर सक्सेस होने के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं तो वो अनसक्सेस होने की प्लानिंग अपने आप कर रहे हैं, क्योंकि सक्सेस के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और अनसक्सेस के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती और वो अपने साथ अपने आप होती रहती है। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको अपने कैरियर के प्लान अभी से क्लास 11 से ही करना होगा, क्योंकि बच्चों ये 2 साल आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 साल आपने बड़ी तपस्या आपने कर ली तो ये समझिए कि आपका जीवन बहुत सुखमय होगा, आने वाला भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। और अगर आपने 2 साल 11th और 12th मौज मस्ती में निकाल दिए तो फिर आपका जो आने वाला जीवन उतना सुखमय नहीं होगा जो होना चाहिए। और 11th और 12th के मैं बता दूं आपको कि 11th बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस 11th से ही शुरू होता है। क्योंकि अभी तक आपने 9th 10th में जो पढ़ा है उसका बेस बहुत ही लो होता है और 11th में बेस जो है बहुत हाई हो जाता है, लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब मैं ऐसे बच्चों के लिए प्लान बताऊंगा जो उन्होंने अपना कैरियर के लिए प्लान किया है इंजीनियरिंग या मेडिकल। अगर इंजीनियरिंग का किया है तो उन्होंने को जेई का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, और अगर उसने मेडिकल के लिए अपना प्लान किया है तो उनको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक प्लानिंग बताऊं और उसके लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए और प्लानिंग क्या हो कि जिससे 11th और 12th के साथ ही सिलेक्शन भी हो और बोर्ड का परसेंटेज भी अच्छा है। तो बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट्स में 2 तरह के प्रोग्राम है, एक तो रेगुलर स्कूल प्रोग्राम जिसमें बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है, उसको स्कूल जाने में 7 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद स्कूल से आता है थोड़ा बहुत खाया पिया और उसके बाद फिर तुरंत कोचिंग गया, कोचिंग में उसको 6 घंटे लगे, फिर उसके बाद स्लीपिंग को मैं लगभग 7 घंटे जो कि एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है, और डेली रूटीन वर्क के लिए 4 घंटे नहाने धोने के लिए और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। तो इस तरह से 24 आवर्स पूरे कंज्यूम हो गए। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इसमें सेल्फ स्टडी के लिए कोई टाइम नहीं मिला। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि स्कूल में या कोचिंग में कितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी रैंक लानी है तो कम से कम 6 से 7 घंटे पर डे सेल्फ स्टडी के लिए आपको लगाना ही पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। तो इस प्रोग्राम में देख रहे हैं बच्चों की आपको सेल्फ स्टडी के लिए कोई भी टाइम नहीं मिल पाएगा। और वहीं पर हम दूसरा प्रोग्राम लेकर के आए हैं
वो है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है कि स्कूल और कोचिंग दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं। तो स्कूल और कोचिंग आईआईटी नीट के लिए 7 घंटे और स्लीपिंग के लिए 7 घंटे, डेली रूटीन वर्क्स नहाने धोने खाने पीने के लिए 4 घंटे, तो इस तरह से देख रहे हैं कि 18 घंटे हो गया। और अब सेल्फ स्टडी के लिए है यहां पर 6 घंटे आपके लिए बच जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम के तहत आपको पूरा समय बहुत ही बैलेंस वे में सेल्फ स्टडी के लिए भी और पढ़ाई के लिए पूरा मिल जा रहा है आपको। और इसके अंतर्गत प्लानिंग ये होती है कि पहले साल में ही पूरा सिलेबस 11th और 12th का पूरा खत्म करके और सेकेंड ईयर में पूरा रिवीजन टेस्ट और प्रैक्टिस पूरे साल चलता है, जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि इस अगर इस प्रोग्राम के अंतर्गत चलते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा। क्योंकि बच्चों मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आईआईटी में सिलेक्शन के लिए या नीट में सिलेक्शन के लिए ये मायने नहीं करता कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं या किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं। मायने ये करता है कि आपने आईआईटी जेई में अथवा नीट में ऑल इंडिया रैंक कौन सी हासिल की। क्योंकि जब आप किसी आईआईटी या एम्स में एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपकी जो आइडेंटिटी होगी वो ऑल इंडिया रैंक से होगी, ना कि स्कूल या बोर्ड से। इवन देन आपका जो हॉस्टल में रूममेट्स होगा तो वो तभी आपकी रिस्पेक्ट करेगा जब आपकी रैंक उससे बड़ी होगी। तो बच्चों यहां पर जो है केवल रैंक की लड़ाई है। अगर आपका 12th के साथ साथ कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाता है और अच्छी रैंक के साथ, तो आपका जो कैरियर है बहुत अच्छा होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि अभी तक जो भी रैंक टॉप रैंकर्स हुए हैं उनका जो प्रोग्राम है वो यही है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के अंतर्गत उन्होंने अपनी पढ़ाई किया और उन्होंने 11th से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी, जिससे कि और एक साल एडवांस उन्होंने अपना 11th और 12th खत्म करके दूसरे साल पूरा रिवीजन प्रैक्टिस फुल रिवीजन प्रैक्टिस में अपनी स्पीड बढ़ाई, तो जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो बच्चों ये था प्लानिंग और मैनेजमेंट। अब इसमें कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि हम क्लास 11th और 12th के साथ हम आईआईटी जेई या नीट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बोर्ड का परसेंटेज भी खराब हो, तो और हम 12th के बाद हम सोचेंगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस अगर सोचते हैं ऐसा तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना, क्योंकि इससे तो आपका अगर ड्रॉप आउट के बाद तैयारी करेंगे तो आपके साल बर्बाद होंगे। और उसके साथ ये भी है कि आपके पास अगर आईआईटी के है तो केवल दो ही चांस मिलते हैं, एक इंटर अपेयरिंग और एक इंटर पास आउट। अगर इंटर अपेयरिंग में आपने सीरियसली नहीं लिया तो ये आपका चांस मिस हो जाएगा, बचा एक चांस। अगर बाय द वे आपका उसमें नहीं हो पाया तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं है आईआईटी के लिए और आपका जो ड्रीम है वो अधूरा रह जाएगा। और मैं बता दूं बच्चों कि जो सिलेबस 11th और 12th का है वही आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल का होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि इंजीनियरिंग और जो मेडिकल्स का जो लेवल है एग्जाम का वो थोड़ा हाई होता है और बोर्ड का लो होता है। जिस क्वेश्चन को करने के लिए बोर्ड में 8 से 10 मिनट मिलता है, उसी क्वेश्चन को करने के लिए कॉम्पिटिशन में 1 से 2 मिनट मिलता है। अब आप भी सोचते हैं बच्चे कि 1 या 2 मिनट तो लगभग उनके सवाल पढ़ने में निकल जाता है, और अगर उसको सॉल्व करने बैठ गए तो सॉल्व करते रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में
आपको यही करना है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए स्पीड बढ़ानी है। इसलिए हमने आपको यहाँ पर रिकमेंड किया है और जो हम लोग कराते हैं कि पहले साल में ही हम 11th और 12th खत्म करके दूसरे साल पूरा रिविजन प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि इतनी स्पीड अच्छी हो जाती है कि बच्चा, और शॉर्टिक्स से हम बताते हैं जिससे कि एक दो मिनट में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सॉल्व कर सकता है। तो ये बच्चा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिटेड है आप लोगों के लिए। और दूसरी चीज एक ये भी है कि आपका जो IIT या नीट में, ये मायने नहीं करता कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं या किस बोर्ड से है। तो इसलिए इस बात को दिमाग निकाल दीजिए, बस आपको रैंक अच्छी लानी है, और जब रैंक अच्छी होगी तो आपका जो सिलेक्शन बहुत अच्छे कॉलेज में होगा। अच्छा, दूसरी चीज और आपको ध्यान देनी है कि जिस स्कूल में या कोचिंग या जिस संस्था में आप एडमिशन लें, तो वो स्कूल और कोचिंग कंपटीशन की तैयारी दोनों दे, मतलब कोचिंग की फीस में स्कूल भी कराए, और उसके साथ आपको ये भी देखना है कि वहां की जो फैकल्टी है वो भी इतनी कैपेबल हो कि IIT और नीट की प्रिपरेशन करा पाने में सक्षम है या नहीं, और वहां के पास ईयर के सिलेक्शन भी वहां हुए हैं या नहीं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर के अगर आप अपने 11th से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं तो नो डाउट आप पहले साल में, पहले अटेम्प्ट में ही 11th और 12th के साथ ही अच्छी रैंक के साथ कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन होगा, और 12th बोर्ड की परीक्षा में आपका परसेंटेज भी 90% प्लस होगा, यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और इन शब्दों के साथ बच्चों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।